उत्तरा म्यूजिक करके एक हमारा चैनल है यूट्यूब का, इसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग आधे अधूरे आया है और इसके में पूजा राठी और मैं एज अ लीड कर रहे हैं। और ये एक लव रोमांटिक सॉन्ग है जिसमें एक बहुत प्यारी स्टोरी दिखाई गई है कि प्यार के बारे में और लड़का लड़की कैसे बिछड़ते हैं मिलते हैं, बहुत अच्छे से तरीके से दिखाया गया है। और ये हमारा जो मंत्रा म्यूजिक है इसके प्रोड्यूसर हैं जिगर जी और इसका म्यूजिक को डायरेक्ट किया है राजवीर जी और साहिल जी ने। और जो हमारे सिंगर म्यूजिक वाले हैं मनमोहन तिवारी, जो बहुत प्यारा उनका गाना है, आप लोग जब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हम लोग बहुत वेट कर रहे थे इस एल्बम का, बिकॉज इसका शूट 2-3 महीने पहले हुआ था और हम तब से इतना एक्साइटेड थे कि ये गाना आने वाला है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा क्लोज सॉन्ग है मेरे लिए, जस्ट बिकॉज़ कि मेरे शादमन खान मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और इनके साथ ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग आ रहा है, तो जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। और ये सॉन्ग इतना प्यारा है बिकॉज़ जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे उस पर पढ़ा होगा कि सच्चा प्यार अधूरा रह जाता है या पहला प्यार अधूरा रह जाता है, ये वैसा ही कुछ स्टोरी है, ये हम चाह के भी उसको पूरा नहीं कर पाते प्यार को, सो ये उस पर बेस्ड है पूरा गाना और बहुत प्यारा है। जैसा टाइटल से ही पता लग रहा है आधे अधूरे, तो ये पूरा प्यार है जो आधा अधूरा रह चुका है। बहुत प्यारा सॉन्ग है, लोकेशन बहुत प्यारी है, म्यूज़िक बहुत प्यारा है, डायरेक्शन बहुत अच्छी की है और हमारे प्रोड्यूसर सर ने इतना सपोर्ट किया इस गाने में, सो बहुत प्यारा गाना निकल गया। बहुत जल्दी रिलीज़ भी होने वाला है अभी जस्ट कुछ मिनटों में, सो गाइस प्लीज़ देखिएगा। एक्चुअली ये इतना प्यारा सॉन्ग है कि ये करने के बाद मैं बहुत वो हूँ कि हाँ मैं आधे अधूरे फिर से पार्ट टू कर सकती हूँ, मुझे पूरा नहीं करना है, बिकॉज ये इतना इतना प्यारा गाना है। और स्पेशल हम दोनों का जो बॉन्डिंग है वो स्क्रीन पे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो हमारा फ्रेंडशिप है उसमें कहीं ना कहीं हर एक फ्रेंडशिप में एक प्यार होता है और वो हमने एक स्क्रीन पे दिखाया तो वो बहुत अच्छा निकल के आया। सो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो आधे अधूरे मतलब कोई भी हर इंसान कभी ना कभी प्यार करता है अपने लाइफ में, कोई भी हो तो सबका पहला क्रश या पहला प्यार कभी ना कभी उसका अधूरा जाता है या पा के भी नहीं मिलता है उसे, तो उस पर ही एक स्टोरी है कि जिसका प्यार था वो लड़की थी उसकी लव स्टोरी है, जो मिल के भी नहीं मिली और सब होने के बाद भी उनका प्यार अधूरा ही रह गया, मिल के भी नहीं मिल पाया और वो अधूरे होके भी पूरे हैं। वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि अधूरे होके भी वो लोग पूरे हैं अपने आप में। चलिए इसके बारे में हम डायरेक्टर से सीधे पूछते हैं, वो बताएंगे के राजवीर सिंह से। साहिल जी सर बहुत ही अच्छे से और जब ये सॉन्ग मिला तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा और इसके बाद में इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी बहुत ही बढ़िया लगी, जैसे शुरू करने का जो प्लान हुआ निकल गया फिर बहुत अच्छा मिला। के बारे में अगर बात करें कहाँ कहाँ पे और क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से, कोई परेशानी रही, चैलेंज रहा, लड़का लड़की नए लड़का लड़की है उनको डायरेक्ट करने में, कुछ इन्होंने आपकी बातें मानी नहीं मानी, सेट पे क्या करते थे ये लोग, टाइम पे आते थे कि नहीं, फोन पे बिजी रहते थे बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से बिजी रहते थे, परेशान किया क्या कुछ कहना नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही समझदार है सर, बहुत ही अच्छा टीमवर्क था और बेसिकली से जो शूट किया गया है वो गुजरात में किया गया और अच्छा निकला ठीक है भाई। और इस प्रकार का आधे अधूरे और भी करना चाहोगे कि आप पूरा करना चाहोगे, एल्बम हो फिल्म हो क्या कुछ करना चाहोगे? सर जो मिलेगा बस करना चाहिए। म्यूजिक मंत्रा म्यूजिक से आपका सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इस एल्बम को लेकर? मंत्रा म्यूजिक नया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का चैनल है, इस पर हम मतलब इनके पहले भी दो गाने आ चुके हैं रोमांटिक सॉन्ग्स हैं उस पर, और ये गाना बहुत अलग तरीके का है जो मंत्रा म्यूजिक रिलीज़ करेगा, जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो जिगर रतनानी जी हैं एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात,
तो उनका मोटिव यही है कि नए सिंगर्स को चांस दिया जाए, नए टैलेंट इसमें आए जितने भी आ सकते हैं, अच्छे अच्छे गाने लेके, अच्छे एक्ट, अच्छे लोकेशन में ये लोग शूट करते हैं। इससे पहले जो गाना आया था बहुत प्यारे लोकेशन में शूट किया था, ये गुजरात में हमने भुज में कच्छ में शूट किया है। तो मंत्रा एक उभरता हुआ एक नया प्लेटफॉर्म है म्यूजिक का, जहाँ पे आगे जाके इंशाल्लाह मतलब बहुत जल्दी बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाला है। इसके अलावा मंत्रा के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप आसानी से अपना सॉन्ग या गाना जो भी रिलीज कर सकते हैं, लाइक नए लोगों को चांस देता है, क्योंकि सबसे पहले तो जिगर जी जो प्रोड्यूसर हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। उनके कहने पे हमने एक गाना मतलब उन्हें सुनाया हम लोग को, तो बहुत सारे गाने सुने थे, इसमें ये गाना अच्छे अच्छा लगा हमको। और जी को मतलब वो अच्छा वो है कि हाँ वो भी चांस देता है, बट मंत्रा एक नया कुछ आ रहा है लेके, नए लोगों को लेके आ रहा है, नई चीज़ें लेके आ रहा है। गाना बहुत प्यारा था और जो लोकेशन शूट किया हम लोगों ने बहुत प्यारी गाना पे शूट किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मंत्रा म्यूजिक जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है वो न्यू कमर्स के लिए किया है, कि कोई भी इंसान चाहे वो सिंगर है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो कंपोजर लिरिसिस्ट कुछ भी है, डायरेक्टर है, वो सब यहाँ पे आके वर्क कर सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ अपना टैलेंट दिखाना है। तो जब मुझे एक्चुअली हम लोग काफ़ी वर्क कर चुके हैं, शादमन जी कास्टिंग डायरेक्टर हैं तो इनके पास में बहुत चांसेस है काम करने का। जी म्यूज़िक टी सीरीज़ इनके पास आई गेस ऑफर आए भी हैं, शायद इन्होंने एक एल्बम किया भी है जिसकी हम लोग प्रमोशन नहीं करेंगे यहाँ पे, बट इन्होंने वो किया भी है, मैंने भी अच्छा वर्क किया। बट जब मैंने यहाँ का कॉन्सेप्ट सुना कि पूजा हम लोग ये चैनल उन लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं जो न्यू कमर्स हैं, जिनको कहीं पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जिनको स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ये प्लेटफॉर्म उनके लिए, तो हमने बोला चाहे हम भी जुड़ सकते हैं इनके साथ में, तो उन्होंने प्लीज़ आके जुड़िए। सो इसके लिए हमने ये गाना चूज़ किया और इस प्लेटफॉर्म के लिए चूज़ किया, ताकि जितने भी लोग हैं उनको लगे कि नहीं यार काम मिलता है, बस आपको मेहनत की ज़रूरत है। सो इसलिए हम लोग प्लेटफॉर्म मंत्रा म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर ये गाना लेकर आए। आज ही 5 बजे मतलब विद इन हाफ एन आवर रिलीज हो रहा है ये गाना, और मंत्रा म्यूजिक पे आएगा। आप लोग से दिल से विनती है कि बहुत ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, और बहुत अच्छा गाना है, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें इसको। बिल्कुल, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, बिकॉज गाना बहुत प्यारा है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ गाना बहुत प्यारा है, और सबसे बड़ी बात हमने बहुत मेहनत की है गाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। नहीं मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, मैं गुनगुनाऊँगी तो लोग बोलेंगे इतना बुरा गाना रहे, नहीं भाई नहीं सुनना, तो मैं नहीं गुनगुना चाहूँगी। आधे अधूरे क्यों बना के चले, नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत गंदा ये ऐसा गाना नहीं है, ये गाना बहुत प्यारा है। इसके बोल ये हैं कि आधे अधूरे क्यों बना के चले, आधे अधूरे क्यों सुना के चले, मतलब कि जब ये प्यार हमारा पूरा हो सकता था फिर भी तुमने ये आधा छोड़ के तुम क्यों चली गई। सो इसके बोल ये हैं और ये बहुत प्यारे हैं। बट गाइज आपको इस गाने को आधा नहीं देखना है, आपको इस गाइज गाने को पूरा देखना है, लाइक करना है, हर एक इंसान को बोलना है, शेयर करवाना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारा गाना इसलिए शेयर कीजिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंत्रा म्यूज़िक के बारे में पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े मंत्रा म्यूज़िक से। सो इसके लिए गाइस प्लीज़ जी पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम फरमान हैदर है और इस वक्त मैं कसौटी ज़िंदगी की 2 में आर्यन जो है अभी ने निभा रहा हूँ, और बहुत खुशी का मौका है कि आज अधूरे अधूरे के लॉन्चिंग पर आने का मुझे मौका मिला। बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छी दी गई है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे भाई शादमान खान, सो ये भी बहुत अच्छे एक एक्टर के रूप में आ रहे हैं बाहर, सो बहुत खुशी का मौका है। सो सभी से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस अवसर पर इस वीडियो सॉन्ग को देखने का मौका उठाएं, लुफ्त उठाएं, बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम ध्रुव सिंगल है, अभी मैं शादमान खान के थ्रू जो है यह मोहब्बतें कर रहा हूँ,
और मेरे का मेरे लिए भी बहुत प्रोत्साहित वाली बात है कि मेरे को इस शुभ अवसर पर आने का मौका मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं, डायरेक्टर राजवीर सिंह जी ने डायरेक्ट किया है और शशिल शाह जी ने डायरेक्ट किया है, तो ये बहुत ही अच्छा गाना रहेगा और शादमान खुद इसमें स्टार कास्ट है। और गाना सुना आपने, कैसा लगा? बहुत ही प्यारा गाना है असल में ये, मोहब्बत। ये जिस तरह से अगर रिलीजिंग की जैसे आप बता रहे हैं, ये बहुत ही कैची सॉन्ग है। इसमें अगर आप देखेंगे जो हुक लाइन है, अभी हम ऐसे नहीं बता रहे, जो हुक लाइन है वो भी बहुत ही कैची है। मतलब आप अगर देखेंगे, अगर आप रिलेट करेंगे इस गाने को, तो ये सभी लोगों के उसमें रहेगा कि मतलब सभी लोग इसको पसंद करेंगे, हर एज ग्रुप इसको पसंद करेगा। यूथ है, जैसे दिल की बात है, लव सॉन्ग भी है, प्यार किसको नहीं होता है, किस उम्र में प्यार नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा गाना है। निजी जीवन में मैं अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कसौटी ज़िंदगी की, मैं आर्यन किरदार निभा रहा हूँ, जो शिवानी है उसका होने वाला फियांसे यानी कि हस्बैंड होने वाला हूँ। और वैसे मैं अपना मॉडलिंग कर रहा हूँ, रैम्प वॉक्स हो गया, प्रिंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब चल रहा है। अभिनय के जीवन में मैंने अभी कदम रखा है, तो शादमान भाई के थ्रू ही मैंने जो है अपना पहला काम, ये पहला प्रोजेक्ट अपने हाथों में लिया। ये है मोहब्बत है, जिसमें मैं रूही की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बना हूँ। लगभग 10 से 12 दिन के कॉन्टिन्यूटी में है वो। और इससे पहले मैंने प्रिंट्स में ज़्यादा काम किया है, प्रिंट्स मॉडलिंग में, रैम्प्स में, डिज़ाइनर्स के थ्रू। थैंक यू सर, थैंक यू। आधे अधूरे की पूरी टीम को, जितने आर्टिस्ट हैं, जितना टेक्निकल टीम है, उन सबको मैं अपनी तरफ से बेस्ट विशेस दूंगा। और जहां तक बात है मंत्रा म्यूज़िक की, तो जो इसके डायरेक्टर और डीओपी हैं, खैर मैं उनके साथ काफ़ी काम कर चुका हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक नया प्रयास इन्होंने मंत्रा म्यूज़िक के माध्यम से चालू किया है, तो इसके लिए हम सभी उनके साथ हैं। और मैं आप सबसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अभिषेक सिंह बोलूँ, जितने भी लोग मुझे देखेंगे सबको दिल से प्रणाम करता हूँ। और पूरी टीम मंत्रा म्यूजिक से प्रोडक्शन से, जो ये आधे अधूरे जो एल्बम है, इससे जुड़े हुए जितने भी टेक्नीशियंस एक्टर हैं, सबको बधाई, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एक वीडियो सॉन्ग है। गाना मनमोहन जी ने जो गाया है बहुत अच्छा गाया है, और बाकी साहिल भाई हमारे हमेशा अच्छा करते हैं और हमेशा ही अच्छा करते रहेंगे।